दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे साल 1997 में रिलीज हुई शपथ, भाई और जिद्दी फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट, साथ ही साथ टॉप फ्लॉप के बारे में। और दोस्तों आपको बताएंगे तीनों फिल्मों के अपने ओपनिंग डे कलेक्शन में किसने मारी थी बाजी। सो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताना आपको तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई थी। दोस्तों बात करें पहले शपथ फिल्म के बारे में। शपथ फिल्म रिलीज हुई थी 12 दिसंबर 1997 को। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। शपथ फिल्म को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था राजीव बब्बर ने। शपथ फिल्म के मुख्य किरदारों में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, हरीश कुमार, सलीम घोष और रामे कृष्णन। बात करें शपथ फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन ओपनिंग डे पर 46 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। वहीं पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 2 करोड़ 12 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने टोटल इंडियन नेट कलेक्शन किया था 4 करोड़ 95 लाख का। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रहा था इस फिल्म का 8 करोड़ 65 लाख। ओवरसीज से इस फिल्म ने 11 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था 8 करोड़ 76 लाख। दोस्तों शपथ फिल्म का बजट था 2 करोड़ 75 लाख और ये सेमी हिट साबित हुई थी। बात करें भाई फिल्म के बारे में। भाई फिल्म रिलीज हुई थी 31 अक्टूबर 1997 को। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। भाई फिल्म को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था दीपक शिवदासनी ने। वहीं इस फिल्म के मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा, सोनाली बेंद्रे, कुणाल खेमू, ओमपुरी, शक्ति कपूर और कादर खान। बात करें भाई फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में, तो भाई फिल्म ने अपने पहले दिन ओपनिंग डे पर 66 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। वहीं पहले हफ्ते में भाई फिल्म ने 3 करोड़ 71 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। भाई फिल्म ने टोटल इंडियन नेट कलेक्शन किया था 8 करोड़ 90 लाख का। वहीं ओवरसीज से 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। भाई फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रहा था 13 करोड़ 50 लाख। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था भाई फिल्म ने 14 करोड़ 50 लाख का। भाई फिल्म का बजट था 5 करोड़ 50 लाख और ये हिट साबित हुई थी। दोस्तों अब बात करें जिद्दी फिल्म के बारे में। जिद्दी फिल्म रिलीज हुई थी 11 अप्रैल 1997 को। ये एक एक्शन फिल्म थी। जिद्दी फिल्म को डायरेक्ट किया था गुड्डू धनवा ने एंड प्रोड्यूस किया था एन आर पचीसिया ने। जिद्दी फिल्म के मुख्य किरदारों में नजर आए थे सनी देओल, रवीना टंडन, फरीदा जलाल, राज बब्बर, आशीष विद्यार्थी और अनुपम खेर। बात करें जिद्दी फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन ओपनिंग डे पर 80 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। वहीं पहले हफ्ते में जिद्दी फिल्म ने 4 करोड़ 39 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। जिद्दी फिल्म ने टोटल इंडियन नेट कलेक्शन किया था 18 करोड़ 25 लाख का। वहीं ओवरसीज से जिद्दी फिल्म ने 55 लाख का कलेक्शन किया था। जिद्दी फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रहा था 31 करोड़ 80 लाख। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था जिद्दी फिल्म का 32 करोड़ 35 लाख। जिद्दी फिल्म का बजट था 7 करोड़ और ये सुपरहिट साबित हुई थी। अब दोस्तों बात करें तीनों फिल्मों में बाजी की, तो यहाँ पर बाजी मारी थी सनी देओल की जिद्दी फिल्म ने। जिद्दी फिल्म ने ओपनिंग डे कलेक्शन भी ज़्यादा किया था, वहीं लाइफ टाइम कलेक्शन भी ज़्यादा किया था। वैसे दोस्तों आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।